हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क 2022 में आए क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने क्वांट कैसे प्रिपेयर करें वो डिस्कस किया था। आप भी हम उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कि हमें क्वांट सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हम एसबीआई क्लर्क 2022 का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन है। 4.25 इंचों में 8 इंचों में 12 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 इक्वल में क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है किसकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो देखिए, 4.25 की हमें पहले किससे, 8 से मल्टीप्लाई देन 12 से, ठीक है। तो पहले मैं 4.25 की 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ। कैलकुलेशन हमेशा ब्रेक करके करनी चाहिए। 4 इंटू 8 इज 32 एंड 0.5 इंटू 8 इज 4। 0.5 अगर 4 टाइम्स होता है तो 1 बनता है, और यहाँ पर 8 टाइम्स है तो यानी 2। 32 प्लस 2 इज 34, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमारी क्या रह जाएगी, 34 इंटू में 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, देखिए ये 8 ब्रैकेट से बाहर है नो डाउट, बट हम इसे एक साथ ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 2 किसके इक्वलेंट है, एक्स स्क्वायर के। क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स एज्यूम करें, ठीक है। तो देखिए, हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। 4 से ये 2 टाइम, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये 3, एंड 2 से इसे 17, 17 माइनस 17 इंटू 3 इज 51, 51 माइनस 2 इज 49, जो एक्स स्क्वायर के इक्वलेंट है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में आपके पास 49 यानी 7। एक्स की वैल्यू इज 7 जो ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 192 का स्क्वायर है। कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है वो समझिए। 192 का स्क्वायर है तो 192 इंटू 192 और डिवाइडेड बाय किससे करना है, 64 इंटू 24 है तो 24 यहाँ पर ले लीजिए, और इस कैलकुलेशन के भी डिवाइड में 48 है तो मैं 1/48 ले सकता, 1/48 इज ले सकते हैं। अब देखिए, 64 से 192 को अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ, ठीक है, तो ये 3 टाइम कम्प्लीटली, 24 से 48 इज 2 टाइम कम्प्लीटली, ठीक है, और 2 से मैं 192 को कैंसिल आउट करती हूँ तो 9 एंड इट आपके पास रह जाएगा 12, ठीक है, तो यानी 6 टाइम 96। 96 की 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। देखो, मैं अगर इसे 100 लेती हूँ, 100 के 3 से 300 और 4 लेस था तो 12 लेस कर देती हूँ, 300 में से 288। ये कैलकुलेशन पूरी 288 आएगी, पर किसके इक्विवेलेंट है, अंडर रूट में x। x की वैल्यू चाहिए तो बेटा x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 288। अब पॉइंट यहाँ पर देखिए क्या है, 8 अगर यूनिट डिजिट पर है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 यानी यूनिट प्लेस पे 4। 4 अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा होता है इनकेस कि किस अदर एक और ऑप्शन होता है जिसमें यूनिट डिजिट इज 4, तो हम 288 का स्क्वायर कैसे फाइंड करते, आपके पास 288 को हम क्या लिख सकते हैं। मैंने यहाँ कैलकुलेशन में भी देखिए बताया, 100 की 3 से मल्टीप्लाई 300 और माइनस 12 किया था, तो वही हम यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करने में कर सकते हैं। 288 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 12 का, ठीक है। 300 का सबको पता है, कुछ भी नहीं करना, 12 का भी पता है, 144 इंटू में, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 2ab होता है तो 212 इंटू में 3, ठीक है, ये 24 इंटू में ये 7200 माइनस का, और ये इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए तब भी आपके पास यही वैल्यू आएगी, 8294, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, पर हमारे पास अगर यूनिट डिजिट वाला ऑप्शन है तो हम पहले उसे ही चूज करें। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से, 4³ इंटू में 40, 4³ इज 64, 64 इंटू में 14, 14 4 जा 56 का 6, 5 अगेन कैरी, 14 6 जा, ठीक है, 84 प्लस 5 इज 80, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए 89, ठीक है, और प्लस में क्या है आपके पास 4060 और डिवाइडेड बाय 12, तो आप इसका सम कर लीजिए, हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, सम करेंगे तो 6 एंड 9 एंड 5 इज 15 का 5 और 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 एंड 10 इज 9 हो जाएगा, एंड ये 4956 डिवाइडेड बाय 12, 12 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 टाइम 48 एंड देन 15 1 आपके पास एंड 3, 413, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट है, 7021, ठीक है,
और अपॉन में x है, तो जाहिर सी बात है हमें किसे डिवाइड करना है, 413 को 7021 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 7021 डिवाइडेड बाय 413, ठीक है। दोनों वैल्यू को मैं 7 से कैंसिल आउट करके देखती हूँ, ये 10 टाइम 7 से कैंसिल आउट होगा और ये आपके पास कितना है 3, ठीक है। और 10 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 63 7 9 59 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 टाइम जाएगा एंड देन 7 टाइम, तो कितना आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आंसर इज 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 96 को 2 से डिवाइड करना, देन अगेन 2 से डिवाइड करना और देन किसके इक्विवेलेंट है 3 की। तो 96 को यहीं से मैं 2 से डिवाइड करूं तो किसके इक्विवेलेंट आएगा आपके पास 48। 48 को मैं x से डिवाइड करी जो किसके इक्विवेलेंट है 3, तो x की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि 3 के इक्विवेलेंट आए, तो जाहिर सी बात है 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 261 डिवाइडेड बाय 14.5। देखिए इस कैलकुलेशन को हम एक स्टेप में कर सकते हैं, 261, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 5.5 और डिवाइडेड बाय 14.5। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, हम इस सेक्शन को एक साथ ले सकते हैं, एंड 5 से इसे करूंगी तो 11 टाइम 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 2 एंड 9 29, 29 से 261, तो देखिए 9 टाइम, कैसे 290 10 टाइम डायरेक्टली और उससे 29 ही लेस है तो 9 टाइम, तो ये आपके पास पूरे कैलकुलेशन 11 × 9 = 99, ठीक है। प्लस 46 इंटू में 1.5, यहाँ पर भी कैलकुलेशन ब्रेक कर कीजिए, 46 प्लस में 0.5 है तो 23, 46 का हाफ इसमें मैं ऐड कर दूँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 60। 99 प्लस 69, 99 आपके पास यूनिट डिजिट के सम की बात करिए तो 8 बनेगा और 8 ऑप्शन में सिर्फ एक ही है 168, और अगर आप पूरी वैल्यू भी ऐड करते हैं तो भी 168 है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 960 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 20, हम इस कैलकुलेशन को एक स्टेप में फिर अगेन ले सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल एंड 3 से मैं इसे डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो ये 3 टाइम एंड 32, 32 इंटू में 20, 22 इंटू में 2 इज 44 का 4, अगेन 4 कैरी फॉरवर्ड एंड 66, 22 इंटू 3 66 प्लस में आपके पास 4, लेकिन तो 704 प्लस में क्या करना है 194 और माइनस 145, आप इस कैलकुलेशन को एक साथ लीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है, देखिए 4 एंड 4 इज 8, 8 माइनस 5 तो कितना आएगा 3, 3 यूनिट डिजिट आपके पास दो ऑप्शन में, पर नन ऑफ दीज भी है, नन ऑफ दीज है तो आपको पूरी वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन देखूँ 3 और अगर मैं ये देखूँ प्लस का 1 और माइनस का 1, ये कैंसिल आउट करते हैं तो लास्ट डिजिट 7 बनती है, तो 7 भी है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, फिर भी हम पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 माइनस 4 इज 5 और यहाँ पर आपके सामने है 7 प्लस 1 इज 8 माइनस 1 इज 752, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, 1089 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1089 डिवाइडेड बाय 1089 का मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो देखिए यूनिट डिजिट से हम टू डिजिट का पेयर डिसाइड करते हैं, 89, 89 में यूनिट डिजिट है 9 तो वो 3 एंड 7 पे पॉसिबल है, 7 सेकंड पेयर वैल्यू इज 10, 10 किस किस के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, ठीक है। मिनिमम स्केल इज 3 का स्क्वायर इज 9, 9 में हम 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है 12, देन हम कंपेयर करते हैं ये वैल्यू क्या है लेस है, लेस है तो 3 और 7 में से भी लेस वैल्यू कंसीडर करेंगे, यानी 3 और 7 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और किसका स्क्वायर ले रहे थे 3 का, तो 33 बन जाएगा, यानी 3 और, तो 1089 किसका स्क्वायर रूट, 1089 का स्क्वायर रूट क्या है 33 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आएगा, ये आपके पास वैल्यू 11 और 11 × 11 इज 121, जो हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए आपके पास ये वैल्यू अगर हम देखें तो सारे फ्रैक्शंस में ही है और अगर हम इसे फ्रैक्शन से कंसीडर करके कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए काफी टाइम वेस्ट होगा और कैलकुलेशन में हमें टाइम लगेगा, जब कैलकुलेशन आपके पास बहुत ज्यादा फ्रैक्शंस में हो तो हमें ट्राई करना चाहिए डेसिमल में वैल्यूज है तो हम इसे अप्रोक्सीमेशन में कंसीडर करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके कैलकुलेट करें, इसे हम 43 ले लेते हैं, ठीक है, एंड देन ये 11 कंसीडर कर लेते हैं और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए सबसे पहले किससे 11 से कैलकुलेट करना किसी भी वैल्यू को बहुत इजी है, तो मैं पहले 43 इंटू 14 कर देती हूँ, 14 इंटू में 14 इंटू 3 इज 42, 42 का 2 एंड 4 कैरी फॉरवर्ड, 14 इंटू 4 इज 56, 56 प्लस 4 इज
आपके पास 60। अब इसे इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 11 से। 11 से करेंगे तो 22, 22 जीरो लगेगी क्योंकि 0, 11 की 0 से तो 0 ही आएगा, वो 2 कैरी फॉरवर्ड यहाँ आ जाएगा। 11 इंटू 6 इज 66, ठीक है। और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ 3, 3, 4, 9, 4 से, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे देखिए इसके इक्विवेलेंट क्या है, एक्स वैल्यू, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट क्या है, एक्स वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेट देखें तो ये अप्रॉक्सीमेट जो है ट्वाइस का रिलेशन रखता है, यानी इसका अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो ये इसके अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा तो यानी जो ट्वाइस कह रही हूँ वो 1/2 हो जाएगा, 1/2 इज 0.5, ठीक है। तो अगर एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 3494 जो है अपॉन में 6622, और रिलेशन अगर हम देखें 1/2 इज 0.5, तो नियरेस्ट ऑप्शन सबसे ज्यादा 0.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 243 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 का स्क्वायर, इस कैलकुलेशन को देखिए, 243 इंटू में 243 और अपॉन में कभी 27 इंटू में 27, देखिए मल्टीप्लाई में 32 है और फिर अगेन डिवाइड में, तो पहले हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, 243 27 से मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 9 है, ये भी 9, ठीक है, 9 × 9 इज 18, 81 इंटू में 30 और डिवाइडेड बाय क्या है 12, आप कैलकुलेशन को एक साथ कर सकते हैं, 3 से इसे कैंसिल आउट करूंगी, 3 से इसे 27 और 3 से इसे करेंगे तो 4 से इसे करेंगे तो 8, 7, 8 जब 56 को 6, 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, और पूरी कैलकुलेशन भी करेंगे तो 260 आंसर है, ठीक है, तो आंसर इज 260। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75% ऑफ द अंडर रूट में 5625, पहले हमें किसका फाइंड करना है, अंडर रूट 5625 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट से टू डिजिट का पेयर सेपरेट करते हैं, यूनिट डिजिट इज 5, 5 किसके में होती है ओनली, नेक्स्ट वैल्यू 56 के, देखो हम जब 5 के स्क्वायर की बात करते हैं ना जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 56 के हमें ऐसे फैक्टर ब्रेक करने चाहिए जो दो कंसेक्यूटिव हो, तो 7, 8 जा 56 होता है और इसमें मिनिमम को कंसीडर करते हैं 7, तो यानी अंडर रूट ये किसका है 70, ठीक है, और हम इसे फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, तो अब देखिए हमारे पास कैलकुलेशन क्या बनती है, 75% ऑफ, ठीक है, और अंडर रूट मैंने किया जब इसका फाइंड तो वो भी कितना आया है 75, ठीक है, अब डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितने से है 0.01 से, तो इसको डिवाइड कर रही हूँ मैं, ठीक है, 0.01 से, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64, ये 64 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में भी जा सकते हैं अगर मैं एक स्टेप में इस कैलकुलेशन को करना चाहूँ, ठीक है, तो अब देखिए हम इस कैलकुलेशन को एक स्टेप में इधर ये मल्टीप्लाई में, और जब ये पॉइंट रिमूव करूंगी तो इंटू में क्या आ जाएगा, तो 100 से तो 100 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 64 इधर मल्टीप्लाई में, 75 × 75 × 60 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू अंडर रूट में ये वैल्यू हो जाएगी, तो 75 बाहर आएगा और 64 में से 8, 75 × 8 इज 6, तो x की वैल्यू 6 जो हमारा ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, एक डीआई है, ठीक है, जो हमारे टेबल ग्राफ पे बेस्ड है, इसमें किस टाइप का डाटा दिया है, तो टेबल ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेशेंट विजिट इन डिफरेंट मंथ मार्च अप्रैल एंड मई, ठीक है, इन 4 डिफरेंट हॉस्पिटल्स ए बी सी डी इन ए सिटी, हमें यहाँ पर क्या दिया है, देखो एक टेबल फॉर्म में डाटा दिया गया है जो नंबर ऑफ पेशेंट जिन्होंने विजिट किया है 4 डिफरेंट हॉस्पिटल ए बी सी डी में और 3 डिफरेंट मंथ्स में मार्च अप्रैल एंड मई, ठीक है, उसका डाटा दिया गया, तो यहाँ पे हमें जो डाटा दिया गया वो डायरेक्ट फॉर्म में, जब डाटा डायरेक्ट फॉर्म में होता है तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, इसमें हमें डाटा कन्वर्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ दी कंसल्टिंग फीस इन अप्रैल इज 400 एंड मे इट हैज बीन इंक्रीज बाय 12.5, व्हाट इज द टोटल अमाउंट अर्न बाय द हॉस्पिटल बी इन अप्रैल एंड मे, ठीक है, रेस्पेक्टिव, हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, जो कंसल्टेशन फीस है ना वो कितनी है अप्रैल में 400, ठीक है, और अगर हम इन मंथ ऑफ अप्रैल की बात करें तो इन मंथ ऑफ अप्रैल में हॉस्पिटल बी में जो नंबर ऑफ पेशेंट आए, एक पेशेंट की जो भी फीस है वो 400 है और नंबर ऑफ पेशेंट जो आए हैं उसके रिस्पेक्ट में अमाउंट अर्न होगा, तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं अप्रैल मंथ का टोटल अमाउंट,
ठीक है, हॉस्पिटल बी के रेस्पेक्ट में। तो हॉस्पिटल बी में अप्रैल मंथ में टोटल पेशेंट कितने आए थे? 15, और एक पेशेंट की कंसल्टेशन फीस इज 400, तो टोटल अमाउंट इज 15 × 4 इज 60, और ये आपके पास 40 है, ठीक है। तो ये अमाउंट आपके पास कितना किसका हो गया? अप्रैल का। एंड ऐसे ही सेम इन मंथ ऑफ मे, इन मंथ ऑफ मे अगर हम कहें 1465, और पर पेशेंट की जो कंसल्टेशन फीस है वो 12.5 अप्रैल मंथ से इंक्रीज हो गई, तो अप्रैल मंथ में 400, 400 का 12.5 इज 1/8, 1/5 8 इज 50 रुपीज इंक्रीज हुई है, यानी कितनी हो गई है? 450, 400 की जगह 450। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेशन कर दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपके पास 0, 45 × 5 इज 225 का 5, ठीक है, 22 आपके कैरी फॉरवर्ड, 45 × 6, ठीक है, तो 270, 270 में आप 22 ऐड करेंगे तो आपके पास 2 ही आएगा, और 29 अगेन कैरी फॉरवर्ड, 45 × 4 इज 180, 180 और आपके पास क्या है? 29 कैरी फॉरवर्ड है, तो इसका 9 ही सिर्फ लेंगे और 20 अगेन कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, 45 × 1 इज 45 इज 65। इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास क्लियर पता चल रहा है, यहाँ पे तो 12 बनना चाहिए, 5925, ठीक है, तो जो हमारा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो आंसर इज आपके पास 12,59,250 रुपीज टोटल अमाउंट अर्न हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल बी में कंसल्टेशन फीस से इन मंथ ऑफ मई एंड अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ द पेशेंट हु विजिटेड इन मार्च एंड मई इन हॉस्पिटल ई इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पेशेंट हु विजिटेड इन अप्रैल इन हॉस्पिटल बी। सबसे पहले हमें कौन कौन से मंथ का डाटा चाहिए? मार्च मंथ का एंड मई मंथ का, कौन से हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में जिन पेशेंट ने यहाँ पे विजिट किया। हॉस्पिटल ए में अगर हम देखें तो इन मंथ ऑफ मार्च इज 1600 और 1855, ठीक है, तो ये 55 एंड 18 और ये 3455 हमारे पास पेशेंट विजिट किए हैं इन मंथ ऑफ मार्च एंड मई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल बी में, ठीक है, इन मंथ ऑफ अप्रैल में जो पेशेंट जिन्होंने विजिट किया वो कितने हमारे पास? वो हमारे पास है 50। इससे कितने परसेंट मोर, ठीक है, तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी हूँ तो ये आपके पास क्या आएगा? 1900, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 45, ठीक है, ये आपके पास क्या है? 3400 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1955, ठीक है, और किससे मोर है? हॉस्पिटल बी में जो पेशेंट विजिट हुए हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल, तो 1500 कितने परसेंट मोर है हम इसे फाइंड करना है, 00 से 00 कैंसिल आउट, 1500 से कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 1 × 3 and 0 और ये आपके पास 1/2, तो आपके पास 130, 1/3%, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट हु विजिटेड इन अप्रैल इन हॉस्पिटल सी एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट हु विजिटेड, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मे इन हॉस्पिटल सी एंड बी टुगेदर। हमें देखिए रेशियो फाइंड करना है किसके, अप्रैल मंथ के हॉस्पिटल सी एंड मई मंथ सी एंड, ठीक है, अप्रैल मंथ में हॉस्पिटल सी की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास कितने फर्स्ट पेशेंट विजिट हुए? 1100, ठीक है, और इन मंथ ऑफ मई में अगर हम कहें तो मई में आपके पास 1500 सी में एंड 1020 आपके पास हॉस्पिटल डी में, तो सम कितना हो जाएगा आपके पास? 25, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम देखें तो दोनों 5 से मिनिमाइज हो गए, 5 से मिनिमाइज कर देंगे, 5 से मिनिमाइज करेंगे 2 टाइम एंड देन अगेन 2 टाइम एंड देन 5 से मिनिमाइज करेंगे 5 टाइम एंड 0, ठीक है, अगेन हम इस वैल्यू को 3 से 9 से भी मिनिमाइज हो जाएगी, 9 से मिनिमाइज करेंगे 2 टाइम, ठीक है, 18 और फिर आपके पास 9 से 4 5 टाइम और 9 से मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास 45 5 टाइम 9 से 5 से 45 और फिर 54 56, ठीक है, तो आपके पास रेशियो आएगा आपके पास 25:56, वो हमारा ऑप्शन नंबर।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट हु विजिटेड इन मार्च इन हॉस्पिटल ए सी एंड डी। हमें एवरेज बताना है, ठीक है, जिन पेशेंट ने विजिट किया इन मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, कौन कौन से हॉस्पिटल में ए एंड सी एंड आपके पास डी, इसका सम यही कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास सम कितना आ जाएगा, पहले हमें एवरेज फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास फोर थ्री डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इन मंथ ऑफ मार्च में जो विजिट किए जो पेशेंट, पहले हमें उनका सम चाहिए, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा सम, हम इसका सम फाइंड कर लेते हैं। 5, 6 and 8 is 14 का 4, 1 carry forward, 6 and 4 is 10, 10 and 1 is 11 और 1 is 12 का 2, 1 again carry forward and 3 and 4, 2, 4, 5, ठीक है। टोटल जो पेशेंट विजिट हुए हैं, ठीक है, इन थ्री हॉस्पिटल्स में इन मंथ ऑफ मार्च में 4245, और एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, थ्री डिफरेंट हॉस्पिटल्स का डाटा है तो डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करेंगे, तो पहले तो ये क्लियर होता है कि यहाँ पर देखिए आपके पास 14 और ये 15, ठीक है, तो 1415 जो हमारा ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द नंबर ऑफ पेशेंट हु विजिटेड इन मार्च इन हॉस्पिटल ई इज 30% मोर दैट more than that who visited in hospital B, and while the number of patient who visited in April in hospital A is 20% less than that of who visited in hospital B. Find the sum of the patient who visited in March and April month in hospital. देखिए अब तक हमें इस जो टेबल ग्राफ में डाटा दिया इन फोर हॉस्पिटल्स का दिया, ए से लेके सी तक, ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पे एक न्यू हॉस्पिटल नेम डिफाइन किया जा रहा है ई, और उसमें जो नंबर ऑफ पेशेंट इन मंथ ऑफ मार्च एंड इन मंथ ऑफ अप्रैल जो विजिट किए गए हैं, उनकी डिपेंडेंसी हम इस टेबल ग्राफ में जो डाटा दिया गया है इन डिफरेंट मंथ्स में और डिफरेंट हॉस्पिटल में, उनसे रिस्पेक्ट में ही हमें पेशेंट डिफाइन किए गए। तो ई जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में इन मंथ ऑफ मार्च में जो पेशेंट विजिट हुए हैं, ठीक है, वो क्या है 30% मोर है किससे, हॉस्पिटल बी में इन मंथ ऑफ मार्च में ही जो विजिट किए। हॉस्पिटल बी में इन मंथ ऑफ मार्च में अगर मैं पेशेंट विजिट की बात करूं तो 1200, इससे 30% मोर, 1200 का 30%, 1200 का 10% कितना होगा 120, 10% कितना होगा 120, तो 30% इज 360, 360 मोर, तो मैं ऐड कर देती हूँ 1200 में, तो कितना 1200 प्लस 360 इज 1560। तो ट्राई कीजिए कि कैलकुलेशन को माइंड में ही कीजिए, यानी इन मंथ ऑफ मार्च हॉस्पिटल ई में जो नंबर ऑफ पेशेंट विजिट हुए हैं वो कितने हैं 1560। अब इसी हॉस्पिटल में इन मंथ ऑफ अप्रैल जो विजिट हुए पेशेंट वो क्या है, तो वो 20% लेस है हॉस्पिटल बी में जो इन मंथ ऑफ अप्रैल विजिट हुए हैं। तो इन मंथ ऑफ अप्रैल कितने विजिट हुए हैं हॉस्पिटल बी में 1500, इससे 20% लेस, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 150, 20% की वैल्यू कितनी होगी 250, पर सॉरी 300, 150 का ट्वाइस इज 300, 20%, पर पॉइंट यहाँ पे 20% लेस है, इससे प्रीवियस में मोर था तो हमने ऐड किया था, लेस है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1500 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, और अब हमें टोटल बताना है इन मंथ ऑफ मार्च एंड इन मंथ ऑफ अप्रैल मंथ में जो हॉस्पिटल ए में जिन पेशेंट ने विजिट किया तो वो हमारे पास कितने आ जाएंगे 2760, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्थमेटिक से है। 240 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ ए कंटेन मिल्क एंड वाटर इन 5:7 रेस्पेक्टिवली। इफ द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन मिक्सचर बी इज 32.5% मोर देन दैट ऑफ मिक्सचर ए And is 25% of the total quantity of B. और यही क्या है B की total quantity का 25%. Find the total quantity of mixture. हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जो मिक्सचर A है, मिक्सचर जो A है, ठीक है, वो टोटल 240 ml, जिसमें आपके पास मिल्क टू वाटर का जो रेशियो दिया है ना वो आपके पास 5:7। तो अगर मैं यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी कहूँ और वाटर की, तो देखिए यूनिट के फॉर्म में अगर मिल्क एंड वाटर इज 12 यूनिट और वो किसके इक्विवेलेंट है 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 20 ml, ठीक है, यूनिट के रिस्पेक्ट में। तो मिल्क कितना है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 100 ml, तो यानी इस मिक्सचर ए में मिल्क इज 100 ml एंड वाटर इज 140, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, जो मिक्सचर बी, ठीक है, जो मिक्सचर बी है
इसमें जो मिल्क है वो कितना है, 32.5% मोर है किससे, मिक्सचर ए के मिल्क से। मिक्सचर ए में मिल्क कितना है, 100 है, ठीक है, इससे 32.5% मोर है, तो कितना है, 132.5% इसका, ए के मिक्सचर का, ए में जो मिल्क की क्वांटिटी है 100 ml इसका। तो अभी अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो यानी मिक्सचर बी में मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना है, 132.5। अब ये क्या है, मिक्सचर बी की क्वांटिटी का 25%। अगर ये वैल्यू मिक्सचर बी की क्वांटिटी का 25% है, कितना, 132.5 ml, किसके इक्विवेलेंट है, 25%। मिक्सचर तो टोटल 100% होगा ना, तो जो गिवन है उससे डिवाइड और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई। हमें टोटल मिक्सचर क्वांटिटी फाइंड करनी है मिक्सचर बी की, तो हम इनटू 100 कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 4। या आपको डायरेक्टली भी देखिए 25% इज 1/4, यानी टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की 4 है, जिसमें से 1 यूनिट किसको रिफाइन कर रहा है, 132.5। शॉर्ट मेथड यही है और ऐसे ही करना है, यानी 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, ये तो माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए, 132.5 की, और 4 यूनिट की वैल्यू तो उसका 4 टाइम्स करना है। कैलकुलेशन उसमें भी ब्रेक करके कर सकते हैं, देखिए 100 के 4 से 400, ठीक है, 32 की 4 से अगर हम करते हैं तो देखिए 120 और 128, और 0.5 की 4 तो आपके पास 2, तो ये कितना आ जाएगा, 530, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 530 ml, यानी मिक्सचर बी की जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है, 530 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए अलोन फिल द टैंक इन एक्स आवर्स एंड पाइप बी अलोन फिल द टैंक इज एक्स माइनस 5 आवर्स। इफ द एफिशिएंसी ऑफ द पाइप बी इज डबल ऑफ दैट द पाइप ए एंड पाइप ए फिल द टैंक इज 55 लीटर पर आवर, ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक। देखिए हमें क्या बताया गया है, जो पाइप ए है एंड पाइप बी है वो कितने कितने टाइम में टैंक को फिल करते हैं, तो पाइप ए एक्स आर में और पाइप बी जो है वो एक्स माइनस 5। सेकेंड, हमें इनकी इफिशियंसी डिफाइन की जा रही है। पाइप ए की जो इफिशियंसी है, ठीक है, द इफिशियंसी ऑफ पाइप बी इज डबल ऑफ दैट पाइप ए, पाइप बी की जो इफिशियंसी है वो ट्वाइस है किसका, ए। तो ए की इफिशियंसी अगर मैं 1 मानती हूँ तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2। जो इनकी इफिशियंसी में रेशियो होता है पाइप की, ठीक है, जस्ट रिवर्स रेशियो किसमें होता है, टाइम, जस्ट रिवर्स रेशियो किसमें होता है, टाइम। तो अगर मैं यहां से देखूं ए एंड बी की टाइम में रेशियो कितना होना चाहिए, तो वो टाइम में रेशियो होना चाहिए, रिवर्स करके यहाँ पे लिख रही हूँ शॉर्ट में, 2 एंड, यानी 2 यूनिट की वैल्यू एक्स है और 1 यूनिट की वैल्यू एक्स माइनस 5 है। तो यहां से हम डायरेक्टली से रेशियो में भी रख सकते हैं, एक्स अपॉन में एक्स माइनस 5 क्या है, ए एंड बी का टाइम, और इनके टाइम में रेशियो 2:1, ठीक है। देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एक्स और ए एक्स माइनस 2x-10, ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाए, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, तो यानी ए जो है वो कितने टाइम में वाटर टैंक को फिल करता है, 10 आवर्स। ए का टाइम कितना आ गया, 10 आवर्स, और जो पाइप बी है वो कितने टाइम में फिल करता है, 10x-5 इज 5, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। हमें तो ये बताया गया जो पाइप ए है, ठीक है, वो पर आर कितना वाटर फिल करता है वाटर टैंक में, 55 लीटर, उसकी इफिशियंसी आपको लीटर में, 55 लीटर पर, ठीक है, तो 10 आवर्स में वाटर टैंक फिल हो जाता है पाइप ए अगर ओपन किया जाता है, और पाइप ए 55 लीटर पर आवर फिल करता है, तो कितने टाइम टैंक की कैपेसिटी अगर मैं कहूँ, तो कैपेसिटी क्या होता है, इफिशियंसी इंक्लूड, ठीक है, पाइप ए की इफिशियंसी कितनी है, 55 लीटर पर आवर, एंड कितने टाइम में वो टैंक को फिल करता है, 10 आवर्स में, तो 550 वाटर टैंक कितने लीटर का है, 550, जो हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्टेन अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1280 रुपीज आफ्टर 3 ईयर एट द इंटरेस्ट हैड बीन 5% मोर, हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड इट हैव अर्न। देखिए हमें क्या दिया गया, एक अमाउंट है, सर्टेन कोई प्रिंसिपल है जो हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट हमें कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 1280 इस सर्टेन अमाउंट पे आन हो, ठीक है, और टाइम की वैल्यू कितनी दी है, 3। पॉइंट समझना, टाइम की वैल्यू 3 इयर्स है तो हम यहाँ से 1 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, पर क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, वो भी नहीं। इनिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था वो नहीं दिया गया, इनिशियली प्रिंसिपल क्या है वो भी नहीं किया। अगर दोनों में से एक वैल्यू गिवन होती तो हम दोनों में से एक वैल्यू जो भी गिवन होती उसके रिस्पेक्ट में सेकंड वैल्यू फाइंड कर सकती थी। फॉर एग्जांपल हमें प्रिंसिपल गिवन होता तो हम इनिशियली रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते, और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंक्रीज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो और अर्न होगा,
ठीक है, इंटरेस्ट हम वो इजिली फाइंड कर सकते थे, पर यहाँ पर डाटा कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या है फाइंड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नन ऑफ दिस नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल इज 120 मीटर। हमें एक स्क्वायर का पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है 4, ठीक है, और अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का पैरामीटर आपके पास क्या होता है, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2l+। इनका सम कितना दिया है 120। अब हमें क्या दिया है, सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें लेंथ और ब्रेथ का रेक्टेंगल का जो सम है वो कितना दिया है 30, यानी एल प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है 30, यहाँ पुट कर, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और वैल्यू सम, यानी यहाँ से हम किस क्या फाइंड कर सकते हैं, फिर स्क्वायर की साइड, ठीक है, जो किसके इक्वलेंट है 120, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, 120 माइनस 60, 64, a इक्वलेंट 60, तो a की वैल्यू इज 50, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई हमारे पास 15 मीटर, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मीटर है आपके पास, ये सारी दोनों वैल्यू सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, इसकी यूनिट सही कर लीजिएगा, ये मीटर में ही ऑल वैल्यूज हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ ये कैलकुलेशन मतलब टाइपिंग एरर है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपके पास मीटर में है और ये भी आपके पास मीटर, ठीक है, 50, तो यहां से आपके पास ये क्या इतना आ गया 15 मीटर आ गया, 15 मीटर आ गई है, तो यहां से अगर हम क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ए स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर इज 220, ठीक है, 225 स्क्वायर मीटर्स आपके पास क्या आ गया, ठीक है, स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 60% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20%। एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल पे 60% अबव एमआरपी मेंशन करता है, हम हमेशा इनिशियली कॉस्ट प्राइस क्या अज्यूम करते हैं 100, तो इस आर्टिकल पे एमआरपी कितनी लिखी जाएगी, तो इस आर्टिकल पे जो एमआरपी लिखी जाएगी 60%, ठीक है, 60% मोर, तो 100 का 60% इज 60, तो एमआरपी इज 160, यानी इस आर्टिकल पे जो एमआरपी होगी 160। अब इस आर्टिकल पे क्या है, डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना 20%, 160 का 10% कितना होगा, तो देखिए 160 का 10% इज 60, तो 20% इज 32 यूनिट का डिस्काउंट, 160 में से 32 यूनिट डिस्काउंट अगर मैं डिडक्ट कर देती हूँ एमआरपी में से, तो आपके पास क्या आता है 160 माइनस 32 यूनिट डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट कर देते हैं, तो कितना आएगा आपके पास, सेलिंग प्राइसेस 120, कॉस्ट प्राइसेस 100, सेलिंग प्राइसेस 128 यूनिट, ठीक है, तो आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 28 यूनिट, और बेस अगर 100 है तो परसेंटेज के टर्म्स में भी वही वैल्यू है, यानी परसेंटेज प्रॉफिट भी कितना है 20, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है, तो देखिए यहाँ पर क्या सीरीज है, 192, 191, 195, 168, 184 एंड 69। सबसे पहले कोई भी सीरीज अगर हमें गिवन होती है तो हम ये चेक करते हैं कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग, तो यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ है, तो कुछ सीरीज मिक्स सीरीज हो सकती है या फिर उसमें जो लॉजिक हो सकता है वो अल्टरनेट प्लेस पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और अगर हम यहाँ पे सीरीज में देखें तो जो डिफरेंस है बहुत हाई नहीं है, तो मिक्स सीरीज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ हो सकता है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस करेंगे, 192 से 191 कैसे आ सकता है माइनस 1 करके, 191 से 195 इज प्लस, नेक्स्ट 195 से 168 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 8 ये आपके पास, तो 15 में से 8 इज 7 एंड ये 2 माइनस का 27, 168 से 184 प्लस करके होगा, 14 में से 6 एंड 1 16 ऐड करके, और 184 में से 69, ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, 14 में से 9 आपके पास ये 5, ठीक है, एंड 17 में से 6 तो ये 11, 115। अब अगर हम ऑर्डर देखें तो यहाँ पर कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है और कुछ ऐड, अगर मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू को देखती हूँ तो 127 एंड 150, तो 1 क्यूब भी हो सकता है 1 का, 27 तो 3 का ही क्यूब होगा, ठीक है, और कोई इसके इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पर अगर हम देखें 16 जो पॉजिटिव जो वैल्यू ऐड हो रही है वो 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो इस अकॉर्डिंग अगर ये क्यूब है तो 1 का ये क्यूब होना चाहिए,
तो ये 1 का क्यूब होगा क्योंकि अल्टरनेट उसपे है, 1 का क्यूब ठीक है, एंड ये 2 का स्क्वायर एंड ये 3 का क्यूब और नेक्स्ट इज 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या वैल्यू होनी चाहिए, क्यूब के ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्यूब होना चाहिए 5 का। तो ये आपके पास 5 का क्यूब, 5 का क्यूब इज 125 ठीक है, और यहाँ 115 है, तो यानी ये वैल्यू रॉन्ग है। यानी क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था -125। 184 में से अगर 1 माइनस का 125 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आती है 59। 10 और लेस कर देते हैं तो यानी 69 के प्लेस पे 59 आना चाहिए। तो यानी पूरी सीरीज में रॉन्ग टर्म्स कौन सी है अगर हम देखें तो 69 इज रॉन्ग टर्म, 69 के प्लेस पे क्या होना चाहिए 59। तो हमारे यहाँ पे रॉन्ग टर्म क्या है 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी हमें देखिए लॉन्ग टर्म फाइंड करनी है। सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 37 एंड लास्ट टर्म इज 365 ठीक है, तो डिफरेंस बहुत हाई नहीं है। जब डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे। 37, 58, 90, 144, 231 एंड 365 ठीक है, डिफरेंस हम यहां से कर लेते हैं ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस इज 1 एंड 20 ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज 2 एंड ये 32, नेक्स्ट डिफरेंस इज 4 एंड 5 54, नेक्स्ट डिफरेंस इज ये आपके पास 7 देन 8 87 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 4 एंड 130। फर्स्ट डिफरेंस से हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है ठीक है, तो हम अगेन डिफरेंस करेंगे। अगेन डिफरेंस इज 11, नेक्स्ट डिफरेंस इज आपके पास 2 एंड ये 22, नेक्स्ट डिफरेंस इज 3 एंड ये 33 और नेक्स्ट डिफरेंस इज 14 में से 7 इज 7 एंड 13 ये आपके पास 12, 12 में से 4 47। अगर हम अगेन सेकेंड डिफरेंस देखें तो 11, 22, 33 ये ऑर्डर में है, 11 के मल्टीपल 11, 22, 33, तो यहाँ 44 ऐड होना चाहिए। ये 44 ऐड होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 47 की जगह 44 ऐड होगा, तो 134 की जगह 3 इसमें लेस कर देंगे 131 और यहाँ पर आपके पास 3 और लेस हो जाएगा। तो यानी इसका इफेक्ट फाइनली किस पे जा रहा है 365। तो यानी रॉन्ग टर्म क्या है इसमें 365, 365 के प्लेस पे क्या होना चाहिए अगर हम देखें तो कितना 3 लेस कर रहे हैं, 3 यहाँ पे लेस कर देते हैं 365 के प्लेस पे 362 ठीक है, करेक्ट टर्म इज 362 365। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारी सीरीज है और जिसमें हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सीरीज अगर हम देखें तो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक साथ है और डिफरेंस बहुत हाई नहीं है। डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 315 से 300 माइनस का 50 ठीक है, 300 से 350 इज प्लस का 50, नेक्स्ट 350 से 275 माइनस का 75 एंड 275 से 375 प्लस का 100 ठीक है, 375 से 250 तो प्लस आपके पास माइनस का 125 और 250 से 400 तो प्लस का 1। अब अगर हम ऑर्डर देखें 50 75 100 125 150 ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या वैल्यू 50। अब ये सारी वैल्यूज जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन 25 के डिफरेंस में, 50 75 अगर मैं नॉर्मली इनका डिफरेंस देखूं तो 25, तो इससे पहले जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2 भी 25 का मल्टीपल होनी चाहिए, यानी ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 25। अब ये 25 होनी चाहिए तो हम इसमें क्या सोचते हैं कि इसका इफेक्ट तो 300 पे जा रहा है, 300 इज रॉन्ग, नो 300 तो बैलेंस है 300 से 350 को लेके ठीक है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए थी 315 इसके प्लेस पे 325 होना चाहिए था, ताकि 325 में से 25 सब्ट्रैक्ट करती तो 300 बैलेंस होता। तो यानी रॉन्ग टर्म क्या है इसमें 350, 315 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 325। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज भी हमारी क्या है, तो नेक्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में है और मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, तो एडिशन, एडिशन तो हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस देखिए 25 एंड सेकंड इज 35, नेक्स्ट इज 5 45, नेक्स्ट डिफरेंस अगर करेंगे तो ये आपके पास 5 ठीक है और 13 18 में से 55,
नेक्स्ट डिफरेंस अगर करते हैं तो ये 0 एंड ये 60, ठीक है। और नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम यहां से करते हैं तो ये 80। अब अगर हम डिफरेंस देखें 25, 35, 45, ये 10-10 के डिफरेंस एंड ये 55, यहां भी 10 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 के डिफरेंस में? 65। 185 में 65 ऐड होता है तो 250 आता है, और जैसे ये 250 होगा तो ये डिफरेंस अपने आप क्या हो जाएगा 75 और 10 के डिफरेंस में आ जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म क्या है 245। 245 के प्लेस पे क्या होना चाहिए 250 होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म इज 245। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हमारी सीरीज क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, और मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो वही सेम चीज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन किसकी पॉसिबिलिटी है एडिशन की, और अगर हम वन के रिस्पेक्ट में आप कहें 65 डिफरेंस है तो भी, तो यहाँ पर दोनों दोनों की पॉसिबिलिटी है। अगर हम देखते हैं 17 से 34 33, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई माइनस 33 की 65 से रिलेशन, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1, 9 से 17 का रिलेशन 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1, 5 का 9 से रिलेशन 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1, 3 का 6 से रिलेशन 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1 सेटिस्फाई होता है, 1 का 3 से रिलेशन, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करूं 2 और माइनस 1 करूं तो आपके पास 3 नहीं, यानी रॉन्ग टर्म हमारी क्या है 1। 1 के प्लेस पे क्या होना चाहिए ऐसी वैल्यू, बाकी सब में ये ऑर्डर सेटिस्फाई हो रहा है तो 1 के प्लेस पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, 2 इंटू 2 करूंगी 4, माइनस 1 करते हैं तो आपको 3 मिलता है, तो यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, तो 1 के प्लेस पे 2 आना चाहिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी रॉन्ग टर्म क्या है 1 ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा सिंप्लीफिकेशन से, 76 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इक्वल में क्या है 512, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 76 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर फाइंड करना है, किसी भी टू डिजिट का स्क्वायर करना होता है तो पहले यूनिट डिजिट का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इज 36, 36 का 6, 3 अगेन क्या है, सेकंड स्टेप इज दोनों की मल्टीप्लाई, 76 का 42 42, और देन आपके पास क्या करना होता है आपको उसका ट्वाइस करना होता है, 42 का ट्वाइस इज 84, 84 प्लस 3 इज 87, 87 का 7 और 8 अगेन क्या है, 7 का स्क्वायर इज 49, 49 प्लस में 8, ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा 57, ठीक है, जिसमें से आपको 64 हमें इसमें से माइनस करना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64, ठीक है, और यही वैल्यू मैं इधर ले आती हूँ, ये भी सब्ट्रैक्ट करनी है 512, ठीक है, फाइनली दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो देखिए 6 6 में से 4 and 2 is 6, 0 आ जाएगा, 7 में से 6 and 1 is 7, ये भी 0 हो जाएगा, 7 में से 5 is 2 और ये 5 5200 जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए 5184%, पहले हमें अंडर रूट में है तो हमें इसे अंडर रूट फाइंड करना होगा, यूनिट डिजिट से टू डिजिट का पेयर सेपरेट करते हैं 84, इसमें यूनिट डिजिट इज 4, 4 किस किस के प्लेस पे होता है 2 एंड, नेक्स्ट वैल्यू इज 51 51, 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 8 का स्क्वायर इज 64 के बिटवीन लाई करता है, मिनिमम स्केल इज 49 49 में 7 ऐड करेंगे तो 56, देन कंपेयर करते हैं ये वैल्यू क्या है लेस है, तो इन दोनों में से भी लेस पिक करेंगे, ठीक है, और किसका स्क्वायर ले रहे हैं 7 का, तो इसका अंडर रूट कितना आएगा 72 72% है तो अपॉन में 100 हो जाएगा, इनटू में 3136, इसका भी हमें क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यूनिट डिजिट इज 6 6, किसके प्लेस में आता है 6 and 4, सेकंड पेयर इज 31 31, किसके 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 6 का स्क्वायर इज 36 के बिटवीन लाई करता है, 5 का स्क्वायर इज 25 में 5 ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 30, देन कंपेयर करते हैं ये वैल्यू क्या है ग्रेटर, तो इसमें से कौन सी वैल्यू होगी ग्रेटर, यानी 6 कंसीडर किया जाएगा, और किसका ले रहे हैं 5 का, तो ये 56 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में आपके पास क्या है 46 और ये माइनस का 512, इसके इक्विवेलेंट है x की वैल्यू फाइंड करें, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर 56 into 72, ठीक है, 56 की मल्टीप्लाई करनी है 72 से, 56 इंटू 2 100, 50 इंटू 2 इज 100, 6 12 12 112 का 2 और 111 1 कैरी फॉर, 56 की 7 से मल्टीप्लाई, देखिए 50 की 7 से 350, 6 की 7 से 42, ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 392, और 392 में 11 ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड 403, ठीक है,
और अपॉन में 100 है तो 40.3, ठीक है। और यहां से अगर हम देखें तो इसमें 46 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 86.32, जो जो हमें माइनस करना है 512, ठीक है। तो अब 512 में से माइनस करना है 32, तो लास्ट डिजिट अगर हम कहें तो 68 होनी चाहिए, तभी 32 के साथ होगा। और अगर रिमेनिंग वैल्यू की भी बात करते हैं तो ये देखिए 511 हो जाएगा, और 11 में से यानी 1 में से 6 तो 5 ही आएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर 4। माइनस का क्या आएगा, क्योंकि देखिए वैल्यू क्या है, माइनस वाली बड़ी है, तो माइनस का 425.6, ठीक है। यूनिट डिजिट से भी हमने यहाँ हेल्प लिया और सेकंड वैल्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.9 प्लस में 0.1, तो ये 2 का स्क्वायर यानी, ठीक है, माइनस में एक्स, और ये किसके इक्विवेलेंट है, 8 × 0.04, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 4 होता है, और 0.2 प्लेसेस पे है तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 × में 1.12, ठीक है। तो इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, 112 की 4 से मल्टीप्लाई देखिए, तो 100 की 4 से 400, 12 की 4 से 448। अब प्लेस कितने प्लेस पे पॉइंट ऐड हो रहा है, एक प्लेस पे यहाँ है, ये 2 प्लेसेस पे यहाँ है, तो 3 प्लेसेस पे पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, राइट साइड वाली वैल्यू की अगर हम बात करें पूरी कैलकुलेट करके, पॉइंट आपके पास आ जाएगा 0.448, और ये 4 माइनस एक्स के करेंट है, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 − 0.44, ठीक है। तो यहां पे आपको पॉइंट समझना है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉइंट, तो ये आपके पास कितना आना चाहिए, 3.55, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16% ऑफ 550 एंड एक्स परसेंट ऑफ 250 किसके इक्विवेलेंट है, 123। 16% 550 प्लस एक्स परसेंट ऑफ 250 123, ठीक है, हम इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 11 टाइम, 5 से इसे कैंसिल आउट करूंगी, 2 से इसे मल्टी, तो ये 88, 123 माइनस 88 किसके इक्विवेलेंट है, इसे भी मिनिमाइज कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है, 5 by 2x, ठीक है, 5 by 2x, 123 माइनस 88, 3 में से आपके पास 13 में से 8, तो ये आपके पास 5, ठीक है, 11 में से 8 आपके पास जाएगा, तो ये 35 किसके इक्विवेलेंट है, 5 by 2x के इक्विवेलेंट है, तो 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे 7 टाइम, ठीक है, x की वैल्यू इज 14, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x की वैल्यू इज 14, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 918 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, एंड 588 डिवाइडेड बाय 14 किसके इक्विवेलेंट है, 66% ऑफ 2400, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 17 से इसे डिवाइड करेंगे 5 टाइम 85, और फिर आपके पास 68, 5 टाइम और देन 4 टाइम 54, 14 से इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम 56, ठीक है, और 2 टाइम 42, तो ये कैलकुलेशन आपके पास 54 प्लस 42 आ जाएगी, ठीक है, यानी 96, और ये किसके इक्विवेलेंट है, अगर प्लस x और 66% ऑफ, ठीक है, 2400, इसे कैलकुलेट करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है, इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 24 की 6 से 144 होता है, 144 का 4 और 14 अगेन कैरी फॉरवर्ड और अगेन 144, ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 8584, जिसमें से माइनस करना है 96, तो यूनिट डिजिट भी आपकी इसमें हेल्प करेगी, 14 में से 6 तो 8, और 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 15 से ये 14 भी बनेगा, तो 1488 जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ही वर्क फॉर इट 5 डेज एंड देन वाई फिनिश इट इन 24 डेज। देखो एक्स अगर अकेले उस वर्क को करता है ना, टोटल वर्क को, तो 25 डेज में कर देता, पर एक्स ने वो वर्क सिर्फ ओनली 5 डेज किया, और रेस्ट ऑफ द वर्क अगर एक्स ने सिर्फ 5 डेज वर्क किया, एक्स की एफिशिएंसी में एक्स मानती हूँ, ठीक है, उसने सिर्फ 5 डेज वर्क किया है, तो बचा हुआ वर्क एक्स 20 डेज में करता, क्योंकि टोटल 25 डेज में कर रहा है, वही वर्क जो एक्स 20 डेज में करता, बचा हुआ वर्क कितने टाइम में करता है, एक्स 20 डेज में, वही वर्क वाई ने अब कितने टाइम में किया है, 24 डेज में किया। तो यहां मैं वर्क का कंपैरिजन कर सकता हूं, ठीक है, ये एक्स जो वर्क 20 डेज में कर रहा है,
ठीक है, वही वर्क वाई जो वर्क कर रहा है वो कितने टाइम में कर रहा है, 24 डेज। यहां से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। इफिशियंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क, ठीक है। तो यहां से एक्स और वाई क्या, हमने इफिशियंसी ली है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की इफिशियंसी आ जाएगी, कितनी आएगी, 24/20, जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं 6:5, ठीक है। अब हमसे पूछा गया हाउ मेनी डेज एक्स कैन, एक्स एंड वाई कैन, एक्स एंड वाई टूगेदर फिनिश दी वर्क, यही वर्क एक्स और वाई मिलकर कितने टाइम में करेंगे। देखो वर्क, टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क इज इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। एक्स की बात करें तो एक्स इस वर्क को 25 डेज में करता है, और एक्स की इफिशियंसी की बात करें तो एक्स की इफिशियंसी कितनी है, 6, यानी पर डे 6 चेयर बनाते हैं, तो टोटल वर्क इज 150। अब यही 150 यूनिट जो वर्क है एक्स और वाई मिलकर करें, एक्स एंड वाई मिलकर करें तो कितने टाइम में करें, वर्क कितना है 150, और एक्स और वाई मिलकर पर डे कितनी चेयर बनाते हैं, 6 and 5 इज, तो कितने टाइम में करेंगे, 150/11, जो हमारा ऑप्शन नंबर डायरेक्टली यही दिया हुआ, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 7:5 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years ago। देखो हमें यहाँ पे सन एंड उनकी फादर, ठीक है, सन एंड फादर की एज में रिवर्स लिखा हुआ है, देखिए रिवर्स हमें उनके फादर की एज में रेशियो दिया है, देखिए फादर एंड सन उनकी एज में रेशियो कितना है, 7:5, ठीक है। तो यहां से मैं फादर की एज क्या मान लेती हूँ, 7x, और सन की एज क्या मान लेती हूँ, 5x। 3 years ago, 3 साल पहले की बात हो रही है, तो यानी 3 years ago उनकी एज कितनी होगी, तो 3 years ago उनकी एज होगी 7x-3 एंड 5x-3, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया, 3 years ago उनकी जो एज का प्रोडक्ट है यानी फादर और सन की, वो कितना होगा, 7x-3 इंटू में 5x-3, वो किसके इक्वलेंट है, 32 टाइम्स ऑफ उसके सन की एज का, ठीक है। और दैट ईयर, उसी ईयर की बात कर रहा है, तो उस टाइम उसके सन की एज कितनी है, 5x-3, इसका 32 टाइम्स है, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो डायरेक्टली यहां से देखिए 5x-3 से, तो 5x-3 कैंसिल आउट हो रहा है, डायरेक्टली बताया जा रहा है कि 7x-3 यानी जो उसके फादर की एज है, ठीक है, वो 32 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, इससे डायरेक्टली अगर हम रिलेट करें तो ये आपके पास माइनस का 3 इधर आएगा, तो 7x की वैल्यू इज 35 एंड x की वैल्यू इज 5। हमसे पूछा गया उसके सन की 4 years ago, 4 साल पहले एज क्या थी, तो पहले अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट एज कितनी है, 5x सन की, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 5 × 5 = 20, ये प्रेजेंट एज है इसके सन की, ठीक है। अब 4 years ago कितनी हो जाएगी, तो 25 - 4, ठीक है, 21, ठीक है। 4 years ago अगर मैं कहूं उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, तो 4 years ago इज 21 years, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन कैन रो 6 km/h इन स्टिल वाटर इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 3 km/h, इट टेक हिम 8 hours टू रो टू प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार द प्लेस। देखिए अगर कोई कोई भी ऑब्जेक्ट की बात होती है कि वो एक प्लेस से सेकंड प्लेस पे जा रहा है और सेकंड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, और आने और जाने का हमें टोटल टाइम गिवन होता है, तो हमारे पास डिस्टेंस इक्विवेलेंट ना एक शॉर्ट मेथड होता है कि टोटल टाइम, ठीक है, इंचू में S1, S1 क्या है, जाते वक्त की स्पीड, और S2 क्या है, वापसी की स्पीड, अपॉन में S1 + S2। यहां पर टोटल टाइम है तो यहां पर स्पीड का भी टोटल किसके इक्विवेलेंट होता है, डिस्टेंस के, और अगर हम नॉर्मली देखें तो डिस्टेंस इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस इक्विवेलेंट स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ जो टाइम है टोटल है तो स्पीड भी रिलेटिव स्पीड कंसीडर हो रही है, अगर हम पॉइंट को समझें, ठीक है। टोटल टाइम हमें कितना दिया है, 8 hours। अब जाते वक्त देखिए, अगर बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहा है, तो जाते वक्त अगर उसकी स्ट्रीम जो स्पीड है वो अगर अपस्ट्रीम स्पीड है, तो वापसी में उसकी स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड, क्या होगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड। तो पहले हमें अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड करनी है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 km एंड स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज 3 km, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, इसमें से डिडक्ट कर देते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में से वेलोसिटी की स्पीड, तो 3। ऐसे ही डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करें तो 6 + 3 इज, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 9।
तो जाते वक्त की स्पीड हम 3 कंसीडर करें तो वापसी की 9, और अपॉन में क्या आएगा, सेम इनकी स्पीड का सम, यानी 6 + 3 इज डायरेक्टली 12। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 से ये 4 टाइम, 4 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस इज 2 × 9 इज 18। तो इस प्लेस की डिस्टेंस कितनी है, 18 किलोमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ ए क्लास 23 गर्ल्स इज 15 ईयर। 23 गर्ल्स हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है, 15 ईयर्स है। टू न्यू गर्ल्स हैविंग एवरेज एज ऑफ 10 ईयर्स ज्वाइन द क्लास, द एवरेज एज ऑफ न्यू क्लास बिकम्स। देखिए अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो पहले इनिशियली एवरेज कितना दिया था, 15 ईयर्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 23, तो उनकी एज का सम कितना हो जाएगा, तो सम। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है अगर हम बात करें तो 25, टू नई गर्ल्स ज्वाइन हो गई है, और एवरेज क्या है ये हमें फाइंड करना है। पहले का सम हमारे पास कितना होगा, 15 × 23, और जो दो गर्ल्स ऐड हुई है उनका एवरेज एज इज 10, तो टोटल इज 20। तो ये हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है, देन हम इससे अगेन न्यू एवरेज फाइंड करें। ठीक है, ये हमारे क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है। अगर हम इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो देखिए पहले वाली जो एवरेज थी वो 15 थी, और जो दो न्यू गर्ल्स जो ज्वाइन हुई है उनकी एवरेज कितनी है, 10 इयर्स एवरेज। तो यानी सब दोनों की 10-10 होगी, इसका मतलब दोनों की एज एवरेज पहले वाली एवरेज से कितनी कम है, 5-5, यानी टोटल सम में कितने का इफेक्ट आएगा, तो टोटल सम में जो इफेक्ट आएगा वो 10 इयर्स। पर ये 10 इयर्स का इफेक्ट अब किस पे इंप्लीमेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो न्यू क्वांटिटी है, यानी 25 गर्ल्स। और ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो यानी अगर हम देखें तो ये कितना इफेक्ट होगा रिड्यूस के मामले में, तो 2/5 को हम क्या कहते हैं, 0.4 ईयर, यानी 0.4 ईयर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये क्या है, सिर्फ इफेक्ट निकाला है। ठीक है, तो इनिशियल जो एवरेज थी वो 15 थी, 15 में से 0.4 डिक्रीज हुई है, तो कितनी बचेगी, 14.6। तो न्यू एवरेज जो बनेगा वो कितना बनेगा, 14.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5,000, 6,000 and 4,000 रेस्पेक्टिव। आफ्टर 4 मंथ्स बी लेफ्ट एंड ए एंड सी एडेड इज 1,000 ईच देयर रेस्पेक्टिव इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ एनुअल प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके इक्विवेलेंट होता है, तो प्रॉफिट ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू। ठीक है, ए बी एंड सी अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट में देखें तो देखिए सब में कॉमन क्या है, 5,000, 6,000 and 4,000, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल है, तो हम उसे पहले ही मिनिमाइज कर दें क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है, लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करें। और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो भी क्या है, 1,000, यानी वो भी नंबर ऑफ जीरोस में भी इक्वल है, तो हम 5, 6 and 4 कंसिडर कर सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो। यानी ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 5 यूनिट, बी का 6 यूनिट और सी का हमारे पास। After 4 months, यानी 4 months तक ये investment बिल्कुल continue था, ठीक है, B left, यानी B ने अपना investment only 4 months तक ही। And A and C added 1,000, 5 था तो 5 से 6,000 हो गया, okay, यानी A का initial investment जो 5,000 का only for 4 months, ठीक है, अब उसका investment 6,000 हो गया, कितने time के लिए, तो देखो annual की बात हो रही है, यानी 12 months standard time लिया जाएगा, यानी 8 months के लिए। ऐसे सी की बात करें तो सी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी ओनली फॉर 4 months, एंड फिर जब इंक्रीज हुआ है तो 4 से कितना हो गया, 5, और कितने टाइम के लिए, 8 months। तो इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट शेयर होता है तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू आपके पास 20 एंड 6, 8 जा 48, तो 20 + 48 इज 68, 24, ठीक है, 20 + 40 आपके पास 16 और ये 40, 56, इसे मिनिमाइज कर दीजिए, 4 से सारी वैल्यू मिनिमाइज होगी, ये आपके पास आएगा 17, 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे 6 और 4 से इसे मिनिमाइज करेंगे 40, तो रेशियो इज 17:6:40 जो हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। हमने ये SBI PU प्रीलिम्स, ठीक है, 2022 में आए क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।